आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एडाप्टर के थ्रू लॉगिन करेंगे। मतलब लॉगिन अगर आपको कराना हो डेटाबेस के थ्रू, और आपने जैसे पहले कमांड यूज़ किए थे एसक्यूएल कमांड के थ्रू, आपने कमांड पैरामीटर्स लेके किया था, अब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ करनी हो एडाप्टर के थ्रू तो आप कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस क्रिएट कर लें। तो एसको सर्वर हम ओपन करते हैं और यहाँ से एक डेटाबेस जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है उसमें हम टेबल बना सकते हैं, या हम चाहें तो एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। उसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर में हम लोग कुछ एक रोज इंसर्ट कर लेते हैं और उस रो के थ्रू हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, राइट। तो इन द मीन वाइल वो ओपन हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन का पेज ले लेते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ से ऐड न्यू आइटम करते हैं और ऐड न्यू आइटम करने के बाद एक वेब फॉर्म ले लेते हैं, और ये जो वेब फॉर्म होगा मेरा उसका नाम हमने रख लिया है लॉगिन, लॉगिन डॉट ASPX, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग एज अ लॉगिन की तरह डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर में लॉगिन के अंदर में एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से जाके एक टेबल ले लेते हैं, डिज़ाइन में जाने के बाद आपके पास देखना ये टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, डिव के अंदर आप टेबल ले लो और टेबल में कुछ आपने लाइक 4 रोज एंड 3 कॉलम्स ले लिया है, 3 कॉलम्स ले लिया है आपने, टेबल ओके किया, उसके बाद आपने टेबल को सेलेक्ट किया है और टेबल को अपने हिसाब से क्या किया, रीसाइज कर लिया और उसको आपने सेंटर में जस्टिफाई कर दिया। फर्स्ट वाले कॉलम पर आपने क्लिक किया और लेफ्ट वाला आपने एरो पे क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, BR यूज़ हो जाएगा बैकएंड में, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा ये रो ब्रोक ब्रेक करके ये सेंटर में जहां आप चाहते हो वहां फिक्स हो जाएगा। फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, मर्ज सेल किया और यहां पे हमने कर दिया लॉगिन, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यहां से सेंटर में कर दिया और उसके बाद इस लॉगिन को हमने सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड किया, और अगर हम चाहें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना तो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक 24 कर दिया हमने इसको। फर्स्ट वाला जो मेरा कॉलम होगा वो ईमेल आईडी इंसर्ट कराने के लिए है, तो हमने ईमेल आईडी टाइप कर दिया। दूसरा वाला कॉलम मेरा पासवर्ड के लिए है, तो पासवर्ड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा जिसके थ्रू मुझे लॉगिन कराना है, जिसमें वैल्यूज इनपुट होंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। उसके बाद आपने कुछ बटन्स, 2 बटन्स ले लिए, एक लॉगिन करने के लिए और दूसरा रीसेट करने के लिए, यानी कि आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीसेट करने के लिए। फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स की का जो आईडी है वो आपने चेंज कर दिया है, दिस इज TXT ईमेल, और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का आपने वैसे चेंज कर दिया आपने TXT PWD पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने जो बटन था, बटन की प्रॉपर्टी में जाके बटन का भी चेंज कर दिया, दिस इज लॉगिन, और यहाँ पे उसकी आईडी रखी तुमने BTN लॉगिन, और इसका तुमने रख दिया आपने BTN कैंसिल, चूंकि ये बटन था इसलिए हमने BTN रख दिया है, बटन कर दिया है। यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, कैंसिल, ठीक है, ये आपने डिज़ाइन कर दिया। इसमें चाहो तो तुम यहाँ से CSS वगैरह भी ऐड कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे देखो CSS यहाँ पे जो कि ऑलरेडी इस पेज पे बिल्ड है, उस CSS को तुम यहाँ से कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे CSS पे जाओगे, यहाँ पे CSS की आउट मेरे पास 2 हैं, जो भी CSS आप तो ऐड करना चाहोगे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ CSS आपके पास होंगी, अगर आप चाहते हो उसको ऐड करना तो उसको ऐड भी कर सकते हो, और उसको आप यहाँ से प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप CSS कॉल कर सकते हैं। आपके हेड में अगर वो प्रॉपर्टी होती है तो उस हेड के अंदर में आप CSS उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके पास में, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बूटस्ट्रैप होती है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप की जो फाइल होती है वो CSS की फाइल होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर में जो आप विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ करते हो उसके साथ में ऐड होती है। अगर आप चाहो तो आप बूटस्ट्रैप की क्लास को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया, लेकिन मुझे अभी तो फिलहाल चेक करना है कि अडेप्टर के थ्रू मैं लॉगिन कैसे कराऊंगा। तो मेरा एस्को सर्वर यहाँ ओपन हो गया है, एस्को सर्वर में जाओ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास में एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, उसके अंदर में आपको न्यू क्वेरी पे जाना है,
न्यू क्वेरी पे जाके आप अपने अगर जाओगे कि फ्रेश डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस लिखोगे और साथ में डेटाबेस का नाम, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट लॉगिन के लिए मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है और मैंने डेटाबेस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज डेटाबेस। ठीक है, टेस्ट लॉगिन के नाम से मेरा एक डेटाबेस होगा जिसको मैं यहाँ से इसको रन करा लेता हूँ। मेक श्योर कि जो आप टेबल बनाओगे टेस्ट डीबी टेस्ट लॉगिन के अंदर ही बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको या तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो या तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ टेस्ट लॉगिन, तो मैं इसके अंदर आ गया, टेस्ट लॉगिन डेटाबेस के अंदर आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम आपने रखा है लाइक लॉगिन, और जिसके अंदर में आपने पहला कॉलम लिया है ईमेल का, ईमेल जिसका हम लोग ले रहे हैं वेयरकेयर, और उसका साइज मैंने ले लिया है 20 जो कि एज अ प्राइमरी की शो करेगा यहाँ पे प्राइमरी की। दूसरा कॉलम मेरा है पासवर्ड का, PWD के नाम से मैं ले रहा हूँ, और उसको मैंने वेयरकेयर कर दिया, साइज मैंने 10 कैरेक्टर उसमें फिक्स कर दिया है और मैंने इसको यहाँ से रन करा दिया। तो ये लॉगिन टेस्ट लॉगिन के नाम से जो डेटाबेस है उसके अंदर में एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने ये बना लिया। नाउ इसी के अंदर मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ वैल्यू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है लॉगिन, और उसके अंदर में मुझे क्या लाना है वैल्यूज़ में अंदर मैंने एक यहाँ पे a@gmail.com एक वैल्यू इंसर्ट कराया, दूसरा मैंने कराया है पासवर्ड डबल कोट्स के अंदर में पासवर्ड इज़ 123। ठीक है, एक रो मैंने इंसर्ट कराया ताकि मैं चेक करा पाऊँ। ठीक, वापस हम अपने एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इससे पहले यहाँ पे हम लोग सर्वर का नेम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर पे जाओ और सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके आप राइट क्लिक करोगे और वहाँ सेलेक्ट करोगे न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन में जाके यहाँ पे सर्वर का नेम पेस्ट करना और नीचे जो है लिखना उस डेटाबेस का नाम जो तुमने वहाँ पे बनाया था जिसका नाम था टेस्ट लॉगिन। अपने आप आ जाएगा अगर स्टार्टिंग का कुछ कैरेक्टर लिखते हो तो। टेस्ट कनेक्शन देकर आप चेक कर लो कि आपकी जो सारे जो पैरामीटर्स हैं ओके हैं कि नहीं है। फाइनली ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक नोड आ जाएगा, जो नोड आएगा वो आपका इसको सर्वर का एक एड्रेस है। उस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ पे जाओ राइट क्लिक करो सेलेक्ट ऑल करो और सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसे कॉपी कर लो। ये कनेक्शन का प्रोसेस है, इसको चाहो तो आप सेम पेज पे भी कर सकते हो, चाहो तो आप वेब कॉन्फिग के साथ कर सकते हो। वापस आप वेब कॉन्फिग फाइल में चले जाओ, वेब कॉन्फिग में जाए बनाने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आता है तो उसको यस कर दिया करो और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का एक टैग आप ऐड कर लो। उस कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर में आप ऐड कर सकते हो एक नेम को, जिसका नाम जो भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे माइक ऑन रख लिया और इसके अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग का ये टैग के अंदर में आप क्या करोगे इसको पेस्ट कर दोगे जो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। और वहाँ पे आपने प्रोवाइडर का नाम आपको सेलेक्ट करना है और प्रोवाइडर का नाम आपको सेलेक्ट करने के बाद कैन आई होल्ड दिस, और इसको हम लोग क्या अभी पॉज कर सकते हैं, मैसेज में टेक लो मैसेज में। तो यहाँ पे चलो मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लिखोगे प्रोवाइडर, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोवाइडर इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोवाइडर। ठीक, ये तुमने जो पास किया है ना कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में, यहाँ पे मैंने एक ये ऐड किया है एक नेम, उसी तरह से तुम कई सारे कनेक्शंस बना सकते हो। और चाहो कि आप डेटाबेस का बैकअप भी शायद दूसरे सर्वर पे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कई सारे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो वेब कॉन्फिग फाइल के अंदर, राइट। तो यहाँ हमने ये कनेक्शन कर लिया, इस कनेक्शन को मुझे कॉल करना है कहाँ पे, लॉगिन पे कॉल करना है, तो इस पे लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू स्कोप में उसके कोड में और यहाँ पे हम कुछ नेम स्पेस को कॉल कर लेते हैं जिसके थ्रू मुझे कॉल करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और एक हम लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये दो हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग एक SQL कनेक्शन का टैग ऐड कर लेते हैं, दिस इज SQL कनेक्शन
कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया कौन के नाम से, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर में हम लोग पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू कॉल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, उसका नाम जो टैग हमने लिया था दिस इज माइकॉन, उसका हमने ले लिया माइकॉन, और माइकॉन के साथ में हम बताएंगे कि ये जो है मेरा टैग वो कनेक्शन स्ट्रिंग का है, और साथ में हमारा सेमी कॉलन आ जाएगा उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये मेरी कनेक्शन की कोडिंग हो गई। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जाने के बाद ये लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा उसका मेथड ओपन हो जाएगा। ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर दो पैरामीटर आपके जा रहे हैं, एक सेंडर के नाम से और एक ई के नाम से, जो आप क्लिक बटन के क्लिक के इवेंट पे जो भी आप प्रोसीजर पास करते हो वो ई के अंदर पास होता है। इसलिए आपको याद होगा जब ग्रिड व्यू के अंदर में हम लोग जो ऐड कमांड की कोडिंग करते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं ई डॉट कमांड नेम, तो कमांड का नेम जो होगा वो जो बटन के थ्रू पास हो रहा है उसका पास होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग बटन के इस लॉगिन के मेथड पे हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अडैप्टर यूज करने जा रहा हूँ तो उसके लिए पहले मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब यहाँ मुझे क्वेरी मेरी क्या है, मेरी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है मेरा, दिस इज लॉगिन, टेबल का नाम लॉगिन है, वेयर वेयर ईमेल इज इक्वल टू एट द रेट em एंड pwd पासवर्ड इज इक्वल टू एट द रेट pwd। ठीक है, ये क्वेरी हम पास कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, जो मेरे डेटाबेस में जो नाम ले रखा है हमने ये ले रखा है, ईमेल में डबल एम था मेरा तो हमें डबल एम लेना पड़ेगा, और pwd हमने गलती से डबल एम ले लिया था तो हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, तो उसको जो है आप बोल दो उसको आधे घंटे में कॉल करें सर क्लास में। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या करोगे, चेंज कर दो जो भी यहाँ पे आपने जो भी कॉलम लिया हुआ है ना उसी के कॉलम के हिसाब से आपको वहाँ से कॉल भी करना है। तो आपने ये कॉलम यहाँ पे ले लिया और आपने ये पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, SQL डेटा अडेप्टर ADP के नाम से आपने अडेप्टर ले लिया, और उसके अंदर में आपने न्यू SQL डेटा अडेप्टर, और उसके अंदर में आपने क्या पास कर दिया, STR और कौन पास कर दिया। ठीक है, STR और कौन पास कर दिया, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो अडेप्टर में हमने कमांड लिया उस कमांड के थ्रू, अडेप्टर के थ्रू हमें क्या करना है, कमांड को सेट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ADP डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। आपको याद होगा जब हम लोग कमांड के साथ ये पास करते हैं तो हम वहाँ से नॉर्मली क्या लिखते थे, SQL कमांड के साथ में पैरामीटर विथ एड विथ वैल्यू। यहाँ पे आपको जब अडेप्टर यूज करोगे तो आपको सेलेक्ट कमांड एक सिर्फ ऐड करना है, और यहाँ पे आपका पैरामीटर जो होगा वो हो जाता है पहले में एट द रेट em कॉमा टेक्स्ट बॉक्स का, सॉरी जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम हमने रखा था txt email का टेक्स्ट। ठीक है, उसी तरह से सेम जो दूसरा पैरामीटर था वो भी मुझे ऐड करना है, उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा पासवर्ड होगा, यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया txt पासवर्ड, और ये जो पैरामीटर है उसका नाम हमने चेंज कर दिया pwd। ये मेरा पैरामीटर्स हो गया, अडेप्टर हो गया मेरा। अब कमांड के साथ आप यूज़ करते तो कमांड के साथ मुझे SQL की कनेक्शन को ऑन और ऑफ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अडेप्टर के अंदर में आपको ऑन और ऑफ नहीं करना है। रीज़न बिहाइंड इट कि अडेप्टर जो है वह सेल्फ कन्फिगर्ड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, तो आप जब भी अडेप्टर यूज करोगे तो उसके साथ में आपको कॉन डॉट ओपन और कनेक्शन ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कंटेनर लेना होगा जिसके अंदर में मैं अडेप्टर की वैल्यू को लोड करूं। तो कंटेनर के लिए मुझे यहाँ पे डेटा टेबल एक ले लेते हैं, डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। तो हमने एक डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस डेटा टेबल के अंदर में मुझे क्या करना है, अडेप्टर के थ्रू फिल कराना है। तो एक मैं न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, और i की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं i इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू ADP डॉट फिल dt। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली क्या है ना कि जो अडेप्टर है और डेटा टेबल है, डेटा टेबल क्या है, इज अ रोज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, तो देयर इज नंबर ऑफ रोज एंड देयर इज नंबर ऑफ कॉलम, इट रिटर्न अ न्यूमेरिकल वैल्यूज फ्रॉम द डेटा। ये जो अडेप्टर है या जो डेटा टेबल है ये न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न करेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसको हमने किस में रिटर्न करा लिया,
आई के अंदर, आई हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का, यानी एक न्यूमेरिकल ही लेगा। अब यहाँ पे चीज देखो कि हमने क्वेरी क्या पास करी है। क्वेरी में हमने ये लिखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू गिवन बाय द यूजर, गिवन बाय द यूजर ना, पासवर्ड इज गिवन बाय द यूजर एंड बोथ पैरामीटर्स आर सेट बिहाइंड द टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स हमने उसके साथ हमने क्या किया है, इसको हमने अटैच कर दिया है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन है उसको हम लोगों ने इसके इस पैरामीटर के साथ अटैच कर दिया है, टेक्स्ट बॉक्स टू हमने इस पैरामीटर के साथ अटैच कर दिया है। इसके जगह पे हम लोग नॉर्मल कोडिंग भी कर सकते थे, सिंगल कोड डबल कोड वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन वो क्या है, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस वर्क करेगा और आपके डेटाबेस को क्या करेगा, क्रैश कर सकता है। तो नेवर यूज दिस, नेवर यूज दिस। 10 मिनट्स क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर लोगे तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो आई के अंदर क्या होगा, आई की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, ठीक है, या तो 1 होगी या 0। क्यों? बिकॉज कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी लिखी, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डाल रहे हो और वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डायरेक्ट बैक इन मैचिंग कर रही है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 और नहीं तो 0। तो क्या हम नीचे चेक करा लें इस तरह से, इफ अगर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होती है तो उस केस में इसका मतलब क्या है, पैरामीटराइज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, मैं चाहता हूँ वेलकम पेज जो मेरा है वो खुल जाए, और द वेलकम पेज जो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, दिस इज डिफॉल्ट पेज जो बना हुआ, मैं डिफॉल्ट को एंड करना चाहता हूँ। डॉट ASPX को मैंने कॉल कर लिया, और एल्स में मैं चाहता हूँ कि एल्स में क्या आ जाए, एक मैसेज आ जाए इनवैलिड का, या एक कोई नया पेज आप ओपन करना चाहते हो, इनवैलिड का कोई पेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट कर लेते हैं, राइट के अंदर में हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू एक मैसेज को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया है, साथ में हमने दिया अलर्ट, अलर्ट के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे दिया है इनवैलिड, इनवैलिड यूजर का मैसेज दे देते हैं, और साथ में हम लोग स्क्रिप्ट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां पे जब लॉग इन करते थे तो रीडर को भी क्लोज करते थे, कनेक्शन को भी क्लोज करते थे, रीडर को भी हम लोग ऑन करते थे, कनेक्शन को भी ऑन करते थे, सिंगल कोड हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ऐसा कभी होता है कि अगर ये चीज में एरर आ जाता है ना आपका, तो आपका रन टाइम पे एरर नहीं शो करता है लेकिन मैसेज भी नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें अगर आपने कभी सपोज लो एंड टैग छोड़ दिया या आपने कुछ कर दिया ना, तो आपका एरर नहीं दिखाएगा बट चलेगा भी नहीं। तो अब हम लोग स्टार्टअप कर लेते हैं, किसको, ये लॉगिन वाले पेज पे राइटली किया एंड सेट एज स्टार्ट पेज कर लेते हैं, और यहाँ से हमने रन करा दिया, तो हमारा वो लॉगिन वाला पेज अपेयर होगा, और हमने जो वहाँ पे पासवर्ड डाल रखा है, ईमेल आईडी डाल रखी है, वो रखा है @gmail एंड द पासवर्ड इज 123। तो हम वो डाल के देखते हैं कि क्या मेरा वो सक्सेसफुली लॉगिन होता है या नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं करने के, बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका नहीं है इसका जो मैंने आपको कई सारे तरीके बताए। आप इसको प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हो, वहाँ पे प्रोसीजर बना लो और कंडीशनल प्रोसीजर बना लो, एक कंडीशनल प्रोसीजर होता है, कंडीशनल प्रोसीजर बना लो, प्रोसीजर के थ्रू आप यहाँ लॉग इन करो, यहाँ पे 4 लाइन की कोडिंग होगी बस। मतलब प्रोसीजर में आपने डाला कि आईडी और पासवर्ड ये है तो ये रिटर्न करे, नहीं है तो ये रिटर्न करे, तो प्रोसीजर को यहाँ कॉल करो, प्रोसीजर की वैल्यू को मैच हो गया तो ये रिस्पॉन्स दो, रीडायरेक्ट, नहीं तो ये हो गया, तो आपकी सारी कोडिंग हिडन हो गई, फिर तो कुछ रहा ही नहीं, समझे। तो बेसिकली क्या है ना, वर्क को आपको डिवाइड करना है, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को बनाना है तो आपको ये देखना है कि इस प्रोग्राम पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, तो उसको क्या करो, आप वर्क को डिवाइड कर रहे हो, आपने आधा काम दे दिया एसक्यूएल सर्वर को, आधा काम दे दिया यहाँ पे फ्रंट एंड को, तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अपना आधा काम सर्वर एक सर्वर का एक पार्ट कर रहा है, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर एक काम कर रहा है और डेटाबेस सर्वर एक काम कर रहा है। तो यहां पे अगर आप यहां पे डालते हो @gmail.com एंड द पासवर्ड इज 123, अभी हमने इसको पासवर्ड को हाइड नहीं किया था, और यहां पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो अगर ये सही होगा तो मेरा कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट वाले पेज पे, नहीं तो एरर आ जाएगा, ये डिफॉल्ट वाले पेज पे चला गया, इसका मतलब क्या है, ऑफिशियली वी आर राइट। अगर मैं यहां पे कोई भी गलत कुछ डालता हूं और डालने पर लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आ गया इनवैलिड यूजर, इट्स वर्किंग फाइन। इस तरह से आप लोग कई चीज़ों को कर सकते हो, कई सारे एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हो इस कोड को, और ये आपका रियली बहुत अच्छा वर्क करेगा रेदर देन दैट। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको पहले।